नमस्कार दोस्तों, आपका जी गुरुजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका यूट्यूब का चैनल टर्मिनेट हो गया है किसी कारणवश, आपने कुछ ऐसे वीडियो डाल दिए जिसकी वजह से आपका चैनल टर्मिनेट हो गया है, बंद हो गया है, या गूगल ने आपका चैनल सस्पेंड कर दिया है, आपके ऊपर 3 स्ट्राइक या 3 कम्युनिटी गाइडलाइंस आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आपका एक ऑप्शन आता है कि आप अपने YouTube को ओपन नहीं कर सकते, बार बार मैसेज ये लिखा आता है। इस मैसेज को लिखाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस मैसेज को पूरा पढ़ते हैं। इसमें लिखा रहता है साफ कि आपका चैनल सस्पेंड हो गया, टर्मिनेट हो गया है, आप अपील फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब आप अपने सफाई पेश कर सकते हैं कि आपने कुछ गलती नहीं की है, किसी कारणवश आपका ये चैनल YouTube ने टर्मिनेट कर दिया है। इस तरीके से आपको लिख के भेजना रहेगा, उसमें सारा गाइडलाइंस दे रहता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कार्य को कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका चैनल फिर से टर्मिनेट हटा दिया जाएगा, सस्पेंडेड हटा दिया जाएगा और आपके चैनल को फिर से इनेबल कर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारा आ गया। इसमें हमको क्या करना रहता है कि इसमें हमें अपना ईमेल आईडी डालना रहता है, जिसके थ्रू गूगल हमें बताएगा कि आपका चैनल टर्मिनेट हुआ है कि नहीं, और हो गया है तो आपको फिर से मिलेगा कि नहीं। आपने जिस ईमेल आईडी से यूट्यूब चैनल बनाया है उसका नाम डालिए, फिर अगर वो मैसेज किस पे करेगा तो आप वही ईमेल डाल दीजिए। अगर आप यूज करते हैं, अगर कोई पर्सनल है तो उस पर डाल दीजिए। उसमें इन्फॉर्मेशन करेगा कि आपका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा। उसके बाद एक नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें आप लिख सकते हैं कि आपके चैनल को किस प्रकार, एक प्रकार से लिख सकते हैं आप अपने चैनल को अपील कर सकते हैं कि मेरा चैनल इस वजह से टर्मिनेट हो गया था, और उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं जिससे कि आपका चैनल टर्मिनेट होने से बच जाए, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करिए कि मैंने कुछ भी YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया है, मैंने सब YouTube की गाइडलाइंस पढ़ के या किस के अंदर ही मैंने काम किया है। अगर YouTube मान जाता है तो मान जाता, नहीं तो आपके चैनल को टर्मिनेट कर देगा, बंद कर देगा। और अगर आप एक बार ईमेल भेजते हैं फिर वो नहीं देता है तो आप फिर 15 दिन बाद फिर अपील करिए, ये प्रोसेसर करते रहिए, शायद आपका चैनल खुल जाए। मगर आपने कुछ गलत डाला है, वायलेशन किया है, किसी को हर्ट किया है, किसी कुछ किया है, या सेक्सुअल या कुछ अन आपत्तिजनक चीज डाली है यूट्यूब पे, या कम्युनिटी गाइडलाइंस आपके 3 बार आ चुके थे, या स्ट्राइक आपके 3 बार आ चुके हैं, तो इस केस में बहुत मुश्किल होता है आपके चैनल को फिर से इनेबल करना। उससे आप अपील करते रहिए, शायद भगवान की दया से खुल जाए। मगर ये अपील करने का देता रहता है, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी इंग्लिश कमजोर हो या तेज हो, उसमें अपने आप से सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। कुछ समय लगेगा, सोच के लिख लीजिए बढ़िया से, और ऐसा करने से शायद आपका यूट्यूब चैनल खुल जाए तो अच्छी बात है। और एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, और हार मान जाएंगे तो नहीं खुलेगा, और लिखते रहेंगे भेजते रहेंगे तो खुल जाएगा आपका चैनल।
हमें क्या करना है, इस अपील को सबमिट कर देना, उसके बाद सक्सेसफुल आपका आ जाएगा कि आपका मैसेज YouTube को मिल गया है और आपके चैनल को वो करेगा कि नहीं करेगा, उसके बाद ही उसका फैसला, YouTube का ये फैसला, अब YouTube आपके चैनल को देखेगा, फिर से रिमूव करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।